हम बैंक कर्मचारी लोग भी ये जो महापर्व चल रहा है इसमें शामिल हुआ है, इसीलिए कि ये जो 12 सूत्री मांग है, ये 12 सूत्री मांग के साथ ये बैंक कर्मचारियों का लड़ाई और आंदोलन जो चल रहा है उसका साथ गहरा संघर्ष है, क्योंकि ये निजीकरण का रास्ता में अभी जो सरकार है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और नोटबंदी का समय में हमने देखा है कैसे वो जो बैंक कर्मचारी लोग मध्य रात्रि तक भी काम करना पड़ा, और इसमें 100 से ऊपर जनता का अंदर देहांत हो गया, उसमें 10 से ऊपर बैंक कर्मचारियों भी था। लेकिन दुख का बात यह है, केंद्रीय सरकार की ओर से मंत्रिमंडल ने ये प्रेस विवृति जारी किया था कि ये निजी और ये नोटबंदी को लेकर के किसी का देहांत नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ बकवास है। और वो निजीकरण का रास्ता में बहुत तेज़ी से चलना चाहते हैं, और जिन्होंने ये बैंक का पास अमानत रखा है, आम जनता ने 80 लाख करोड़ का ऊपर ये सब लूटने का रास्ता उन्होंने बना रहा है, जैसा कि अदानी अंबानी लोग इसको लूट सके, तो इसीलिए हम इसको विरोध कर रहा है निजीकरण का। और ये कॉरपोरेट सेक्टर जो है, नया उदारवादी आर्थिक व्यवस्था, बहुत तेज़ी से हमारा बेरोजगार लोग जहाँ की बैंक में नौकरी मारने का सुविधा अभी भी है, 100,000 से ऊपर पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग भर्ती नहीं कर रहा है। मोदी सरकार की नीतियां हैं, विशेषकर जो आम जन विरोधी नीतियां हैं और जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, उसके विरोध में हम लोग यहां पर आए हैं। अगर इंश्योरेंस सेक्टर पर्टिकुलर की हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर को और पूरे पब्लिक सेक्टर को ये सरकार आज बेचने के ऊपर लगी हुई है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जनरल इंश्योरेंस के अंदर GIC री और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शेयर उन्होंने मार्केट के अंदर ऑफलोड किए हैं, जबकि हमारा कहना ये है कि इन कंपनियों को सरकार, इन कंपनियों ने जब से कंपनियाँ बनी हैं सरकार से इन्होंने 1 पैसे की डिमांड नहीं की है अपनी डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए। रादर कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर इमेंस हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, लेकिन फिर भी ये सरकार अपने निजी स्वार्थों के कारण और जो इनके चेहते पूंजीपति वर्ग है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को देखते हुए इनको उनको बेचने के ऊपर आमादा है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं।